ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द एनिमल किंगडम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो एनिमल किंगडम और इसके क्लासिफिकेशन यानी कि ड्राउट के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज हम एनिमल किंगडम के पूरे जितने भी क्लासेस हैं, वर्टिब्रेट हों या इनवर्टिब्रेट हों, उनके सारे क्लासेस को वन बाई वन करेक्टरिस्ट के साथ में उनके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक। आज हम थ्री काइंड्स के चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। वो है पोरिफेरा, देन सेकेंड वन इज द सिलेंट्रेटा एंड लास्ट वन प्लेथेलमेंथेसिस। इन तीन ग्रुपों के बारे में, ये तीनों के ग्रुप किसके अंदर आते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट के अंदर आते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर दिया है कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंसेस हैं। वर्टिब्रेट मीन्स दोज एनिमल विच हैव बैकबोन। इनवर्टिब्रेट मीन्स दोज एनिमल विच डू नॉट हैव एनी बैकबोन। ओके, सो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर हम तीन ग्रुपों को रखे हैं, सब ग्रुपों को रखे हैं, वो हैं पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा एंड प्लेथेलमेंथेसिस। टू टाइम्स आई रिवाइज टू वन थिंग, पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा एंड प्लेथेलमेंथेसिस, इनके करेक्टरिस्ट के बारे में जानेंगे और इनके एग्जाम्पल को। तो देखते हैं, पोरिफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ होल, मतलब पोरिफेरे का मतलब ही होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होल्स हों, जिसमें जैसे होल्स रहते हैं। देन नॉन मोटाइल एनिमल है, अटैच्ड रहते हैं किससे बेटा? टू सेम साइज ऑफ द सपोर्ट। ओके, एक बार उधर देख लेते हैं। ऐसे पोरिफेरा का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें होल्स रहते हों, नॉन मोटाइल एनिमल हैं और अटैच्ड रहते हैं सेम काइंड्स ऑफ द सेल सपोर्ट से। ओके, नाउ द होल ऑल ओवर द बॉडी, मतलब कि जो पोरिफेरे के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जो होल है उनके ऑल ओवर बॉडी क्या रहेंगे? प्रेजेंट्स रहेंगे। ओके, द होल ऑल ओवर द बॉडी। नाउ लास्ट वन क्या लिखा है? ऑल ओवर द बॉडी वर्ड विथ, ऑल ओवर द बॉडी विथ द हार्ड आउटसाइड लेयर ऑफ स्केलेटन। साथ में जो होल है वह ऑल ओवर द बॉडी रहेगी, साथ में आउटर स्केलेटन भी क्या रहेगा? प्रेजेंट्स रहेगा। आउटर स्केलेटन के लेयर ऑफ द आउटर स्केलेटन इट्स आल्सो प्रेजेंट्स विथ हार्ड स्केलेटन। ओके, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे आप? पोरिफेरा के एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? एस्पॉन्जिला, जिसमें ऑल ओवर बॉडी होल्स रहते हैं। साइकॉन, इसमें भी इसी तरीके से करेक्टर्स को शो करेंगे, जैसे नॉन मोटाइल करेक्टर हो गया। देन होल्स विद बॉडी, इस तरीके से जो करेक्टर्स हैं वो शो करेंगे किसमें? स्पॉन्जिला में, साइकॉन पे। एंड लास्ट वन क्या? मेनली फाउंड इन द मैराइन। ये दोनों ही जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं पोरिफेरा के अंडर, ये मेनली कहाँ मिलते हैं? मैराइन वाटर। मैराइन मतलब समुद्री ऑर्गेनिज्म है, समुद्री ऑर्गेनिज्म है, जहाँ ऐसे समुद्र जिनके पानी क्या होते हैं? खारे होते हैं। या ओके, तो ये क्या है? मैराइन एनिमल हैं, जो कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कम अंडर द पोरिफेरा विच आर फाउंड ऑन इन द मैराइन वाटर। ओके, नाउ लेट्स लुक ऑन द सेकेंड टाइप्स, सेलेंट्रेटा। वाटर इज द मीनिंग ऑफ द सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा इट इज द सेकेंड कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑफ द इनवर्टिब्रेट ग्रुप। ओके, इन एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट ग्रुप के सब कैटेगरी में सेकेंड नंबर पर रखी गई है सेलेंट्रेटा को। क्या मतलब होता है? इसके करेक्टर क्या है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। सेलेंट्रेटा में आप देखेंगे कि लाइनिंग इन द वाटर, लिविंग इन द वाटर, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कम अंडर द सेलेंट्रेटा विच आर लिविंग इन द वाटर। नाउ कैविटी इन बॉडी, क्या बोल रहे हैं? कैविटी इन बॉडी, बॉडी के अंदर कैविटीज। द बॉडी इज मेड ऑफ टू लेयर ऑफ सेल्स, जो सेलेंट्रेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी क्या? टू काइंड्स ऑफ द सेल लेयर से मिलकर के बने होते हैं। फर्स्ट काइंड्स ऑफ द सेल लेयर इट इज कॉल्ड नॉन एज व्हाट? फर्स्ट काइंड्स ऑफ द सेल लेयर इट्स मेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी स्केलेटन, जो एक तरीके का सेल सिक्वेंस या मेडअप है वह क्या है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो सेलेंट्रेटा ग्रुप के एनिमल्स हैं उनके आउटसाइड के बॉडी को क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेकेंड वन इज व्हाट बेटा? सेकेंड सेल्स इट इज द लाइनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर वाले हिस्से का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बोला हूँ? सेलेंट्रेटा क्या है? ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें कैविटी प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल लिविंग इन द वॉटर, यानी ज़्यादातर एनिमल्स सेलेंट्रेटा के कहाँ रहते हैं? वाटर पे रहते हैं। द जो बॉडी है वह टू काइंड्स के लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी होती हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स क्या करती हैं? आउटर स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं और दूसरे काइंड्स का जो बचे हुए हैं सेल्स वह क्या करते हैं? लाइनिंग ऑफ द इनर बॉडीज क्या करती है? फॉर्मेशन करती हैं।
ओके नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऑफ दीज, सेम सम ऑफ दीज एनिमल लिव इन द कॉरल्स। यदि कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन से ग्रुप के विच ग्रुप्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द कॉरल्स को कॉरल्स या सेलोनॉम भी बोलते हैं, तो आप क्या टिक लगाएंगे बेटा, सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा के मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कॉरल्स में रहते हैं। ओके ये कॉरल्स क्या है आप बाद में चीज़ें पढ़ेंगे, हायर क्लासेस की चीज़ें हैं कॉरल्स क्या है। ओके नाउ इसमें एग्जांपल के तौर पर क्या देखेंगे आप सेलेंट्रेटा में, हाइड्रा एंड सी एनेमोना लिखा है, सी एनेमोने। ये दो एग्जांपल, टू ऑर्गेनिज्म को मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, हाइड्रा और दूसरा सी एनेमोना। ओके हाइड्रा और सी एनेमोना दोनों एक से ऑर्गेनिज्म है जो सेलेंट्रेटा के अंदर आते हैं, और सेलेंट्रेटा के करेक्टर को हमने अच्छे से क्लासीफाई किया है। कैसे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर, लिविंग इन द रहते हैं वाटर पे, बॉडी कैविटी प्रेजेंट्स रहती हैं, और टू काइंड्स ऑफ द लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बनी होती हैं। एक तरीके का सेल लेयर क्या बनाती है, आउटर स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं, और दूसरे काइंड का सेल क्या करती हैं, इनर लाइनिंग ऑफ सेल फॉर्मेशन करती हैं। देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द वॉट, कॉरल्स, कॉरल्स में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रहते हैं। और सेलेंट्रेटा में हमने हाइड्रा और सी एनेमोना का एग्जाम्पल को देखा समझा। प्लीज़ जब कभी भी आपको एनिमल किंगडम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखने को आता है और विद एग्जाम्पल लिखने को आता है, तो आप इनका डायग्राम के साथ में आप इन चीज़ों को बताएंगे। थर्ड देखते हैं प्लेथी हेलमेंथेसिस क्या है इसके बारे में समझते हैं। ओके थर्ड वन को देखिए, प्लेथी हेलमेंथेसिस, इसमें करेक्टर्स क्या है बेटा, ब्लेट्रिकल साइमेट्रिकल, देन ट्रिप्रोब्लास्टिक, नॉट रो इंटरनल कैविटी ऑफ सिलोम। क्या बोला है, ब्लेट्रिकल साइमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और साथ में इनको कोई भी नॉट रो इंटरनल कैविटी, इंटरनल कैविटी और सिलोम प्रेजेंस नहीं रहता। कि इसमें एग्जांपल के तौर पर हम क्या देखते हैं, लीवर फ्लोक को, देन प्लेनेरिया को, और तीसरा क्या है, टैप बॉम्ब को। लीवर फ्लोक, प्लेनेरिया और टैप बॉम्ब, दोज आर एनिमल विच कम अंडर द प्लेथी हेलमेंथेसिस सब ग्रुप ऑफ द इनवर्टिब्रेट इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के प्लेथी हेलमेंथेसिस ग्रुप में, इनवर्टिब्रेट के प्लेथी हेलमेंथेसिस ग्रुप में इन तीन ऑर्गेनिज्म के बारे में, स्टडी के बारे में बताया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि तीन ऑर्गेनिज्म ही हों जो कि प्लेथी हेलमेंथेसिस के अंडर आते हों, इससे और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लेथी हेलमेंथेसिस के अंदर स्टडी की जाती है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट्स द रीजन अपन लोग प्लेथी हेलमेंथेसिस के इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके तो इसमें तीनों में से किसी एक का डायग्राम आप अपने